One word, one child and one pen can change the world. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर फारूक और आप देख रहे हैं द काश पोस्ट। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है इश्फाक अहमद, जो कि अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में इसकी एक बुक रिलीज़ हुई जिसका नाम है अ लाइट ऑफ लव एंड द वर्ल्ड ऑफ एल्केमी, और हाल और इससे पहले भी एक बुक इसकी रिलीज़ हो चुकी है। इश्फाक, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए जो आपको देख रहे हैं अभी। जी, मेरा नाम इश्फाक अहमद नजार है एंड मैं अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। और अनंतनाग में एक गांव है, एकिन गांव, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो मैंने जब पहले शुरुआत की राइटिंग की, मैंने लिखना शुरू किया, मैं मसनवीज़ पढ़ रहा था मौलाना रूमी रहमतुल्लाह के। मैं दीवान कबीर जो शमस तबरी जी के लिए लिखते थे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, रादर देन वो पहले रिसाइट करते थे, वो गाते थे या बोलते थे हम कह सकते हैं। तो फिर वो उनका एक डिवोटेड स्टूडेंट था, उन्होंने लिखा था, तो वो मैं पढ़ता गया तो मैं इंस्पायर हुआ। तो और मेरे जो फादर थे, वो मैं बचपन से ही एक सूफिज़्म में पला बढ़ा हूँ। मेरे पापा थे, मैंने वो मेरे अच्छे उस्ताद हैं, सबसे बड़े उस्ताद मेरे फादर हैं, उनसे मैंने सीखा। तो फिर मैंने पेन डाउन शुरू करना किया, मैंने मैंने अपने इमोशन जो थे, जो सूफिज़्म, मैंने सोचा कि ये जो ग्लोबल आर्ट, ये जो सूफिज़्म का आर्ट है, ये ग्लोब ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँचना चाहिए। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे पहुँच सकता है? इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो मैंने ट्राई किया, मैंने राइट किया बुक। वो जो पहली बुक थी उसका नाम साइलेंट टीयर्स एंड ब्लीडिंग साइज बाई इश्फाक अहमद। वो अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या नोशन प्रेस स्टोर्स पे। और ये दूसरी बुक है, ये लाइपर पब्लिकेशन जो स्टोर है वहाँ पर भी अवेलेबल है, और अमेजोन पर भी है किंडल वर्जन में, ओनली जस्ट 49 रुपीज़, यू कैन गो एंड हैव इट। सो अब बात आती है डिस्करेजमेंट की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग, मैं ये मतलब मुझे दिल में ये नहीं है कि मुझे लोग ज़्यादा पढ़े, बस जो पढ़े वो खुश होना चाहिए। अब जो खुश भी नहीं होगा फिर भी वो पढ़ेगा, और उसको मुझे इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है कि उसको इंस्पायरेशन मिलेगी। कॉज दिस बुक एनलाइटस कॉज बुक दिस एनलाइटन एनलाइटन मी एंड दिस बुक विल एनलाइट अदर्स आवर फ्यूचर वट आवर फ्यूचर इज देर द फ्यूचर जनरेशन यूथ्स एंड इट विल इंस्पायर देम बिकॉज वी आर इन डार्कनेस, हम अंधेरे में हैं, और इस अंधेरे से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये बुक मैंने ये जो बुक लिखी है, सबसे जो है अ लाइट ऑफ लैंड द वर्ल्ड ऑफ एल्केमी इज ए कम्प्लीट पोइट्री कलेक्शन ऑफ मिस्टिक वाइब्स, यानी कि अ जर्नी फ्रॉम वर्ल्डली लव टू द लव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ विच इज़ इंडीड प्लेजरेबल। तो यानी कि हकीकी इश्क हकीकी के बारे में है इसके मतलब आज के नौजवान, आपको तो पता ही है सब कुछ क्या हो रहा है सोसाइटी में, समाज में। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, ना मैं खुद डिस्करेज होना चाहता हूँ। मैंने ये दो बुक्स लिखी है, मैं ट्राई करूँगा इससे आगे लिखने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंस्पायर मोर एंड मोर पीपल। शौक कब से हुआ है लिखने का? शौक लिखने का इसी साल में हुआ, जब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर In the start of this year, I starting my writing. In very little time, I was very inspired. I was very enlightened, cause in my heart there is love of Lord of love. And I would like to convey something. Knowledge is not in the books; it's in your heart. So burn yourself like a moth in the love of Lord of love, or in the light of Lord of love, so that your heart could be filled with wisdom as knowledge. आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बस, और अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यही तीन मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। ना तो मैं इनके अलावा कुछ पढ़ता हूँ, अगर पढ़ता हूँ खलील गिब्रान पढ़ता हूँ कभी कभार, तो इनके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता। इनके अलावा ना तो मैं कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं हूँ वो इनकी वजह से मैं हूँ। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे पापा है, और ये फैज़ुल्लाह इफ्तिखार है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही है। मैं आज का जो यूथ है वो लिखना चाहता है, मगर उनको सिर्फ दिक्कत आती है कि पब्लिशिंग हाउस पब्लिश कहाँ से करे। सो क्या अपील रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन से? मैंने बहुत से ऐसे ऑथर्स का इंटरव्यू किया कि उनका भी यही कहना है कि हमें पब्लिकेशन हाउस नहीं मिलता है यहाँ पर। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पब्लिशिंग हाउस फॉर
फॉर द पब्लिशिंग हाउस, जो पब्लिशिंग हाउस है, एक पब्लिशिंग हाउस है वो फ्री पब्लिशिंग हाउस है, नोशन प्रेस पब्लिशिंग हाउस चेन्नई, वो सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है, वहाँ पे काम खुद करना पड़ता है, यानी कि कवर पेज से, कवर पेज से इंटीरियर, कवर स्टार्टिंग से एंड तक, इंटीरियर से एक्सटीरियर तक सब खुद डिज़ाइन करते हैं, उस पर खुद वर्क करना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा पब्लिशिंग हाउस नोशन प्रेस है। तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, अब इंसान डिस्करेज होता है कि लोग मुझे नहीं पढ़ते, दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि लोग मुझे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा जो कलाम है वो लोगों तक, मेरा जो आर्ट है, फन है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये डिस्करेजमेंट नहीं चाहिए आपको, ना तो ये डिस्करेजमेंट आपके दिल में होनी चाहिए। लेकिन एक बात और, जो ये लाइपर पब्लिकेशंस है और लाइप बहुत सारे पब्लिकेशंस हाउस है कश्मीर में, जिससे आपका दिल खुश हो, जिससे आपका दिल मुतमाइन हो कि मेरी बुक जो है यहाँ पे अच्छे से पब्लिश होगी, लोगों तक पहुँचेगी, लोग पढ़ेंगे, इनकरेजमेंट उनको मिलेगी, इंस्पायरेशन मिलेगी यूथ को, एनलाइटनमेंट मिलेगी, सो दे कैन ट्राई टू दैट पब्लिशिंग हाउस। क्या मैसेज रहेगी उनके लिए जो लिखना चाहते हैं? उनके लिए मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बड़ा कोई ऑथर नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, कम एक ही ईयर में मैंने दो बुक्स लिखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माई आलमेट, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो उनके लिए एक ही मैसेज है, दिल की सुनो, लेकिन दिल की तब सुनो जब इसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन लाइट एंड डिवाइन लव। दैट्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।